आइसोमेट्रिक चैंप में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मोहित शर्मा है। आज हम मिसिंग लाइन का एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका टॉप नीचे बना हुआ है, मतलब ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में है। तो दोस्तों, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में साइड चेंज हो जाती है। सबसे पहले देखेंगे इसकी साइड किस तरफ है। साइड इसकी बाएं तरफ है, लेकिन बनते समय ये दाएं में बनेगी। तो सबसे पहले हम फ्रंट का बेस लेंगे। फ्रंट का बेस इसमें 35 mm है, तो यहाँ पर 35 mm की एक लाइन खींचेंगे। खींच ली 35 mm की लाइन। अब हम साइड का बेस लेंगे। साइड का बेस इसमें 25 mm है, ये ले लिया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये वाला रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे। इसकी लंबाई 30 mm है और इसकी चौड़ाई 10 mm है। ये बन गया है। तो दोस्तों, अब देखना इसका टॉप कैसा बनेगा। इसकी प्रोजेक्शन ऊपर से ये आ रही है ये, और ये अंदर कितना गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अंदर 25 mm गया है। 25 mm कैसे, आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि टॉप व्यू का बेस फ्रंट व्यू के बेस के बराबर होता है, फ्रंट व्यू की हाइट साइड व्यू की हाइट के बराबर होती है, और जो साइड व्यू का बेस होता है वो टॉप व्यू की हाइट के बराबर होता है। आप देख सकते हैं, ये साइड व्यू का बेस है, इसी की प्रोजेक्शन आ रही है ये रहा, और इसी की हाइट है, ये 25 mm है। यहाँ से आएंगे 25 mm अंदर, ये लाइन खींच ली हमने 25 mm की। अब हम ये वाला लाइन खींचेंगे, इसकी लंबाई कितनी है। तो आप देख सकते हैं, इसकी लंबाई है ये रहा 10, और ये रहा 15, ऊपर ये रहा 10 और 15। इसकी भी लंबाई 25 mm है, ये ले लिया हमने 25 mm की लाइन। इसकी लंबाई 10 mm है, इसकी लंबाई 15 mm है। फाइनली हम इसको भी जोड़ देंगे, हमारा ये भी बन गया है। तो दोस्तों, अब ध्यान से देखना, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला इसकी प्रोजेक्शन है। तो ऐसा करेंगे, यहाँ से भी खींचेंगे। सबसे पहले हम 30 mm की लाइन खींच लिया। अब हम इसकी हाइट लेंगे। इसकी हाइट कितनी है, तो आप देख सकते हैं, इसकी हाइट 30 में से ये 10 mm घटा देंगे हम, तो इसकी हाइट 20 mm ही है। यहाँ से ले लेंगे इसकी हाइट 20 mm, इसकी दूरी 10 mm है, ये रही। वापस नीचे हम 10 mm, अरे फाइनली हम इसको भी जोड़ देंगे, इसको ऐसे जोड़ देंगे। हमारी ये जो लाइन है ये एक्स्ट्रा हो गई, तो इसको इरेज करेंगे हम। अब साइड व्यू में देखेंगे, तो साइड व्यू में दो रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहे हैं। पहला रेक्टेंगल ये है, दूसरा रेक्टेंगल यही बनेगा। कैसे, इसकी चौड़ाई भी 15 mm ही है। यहाँ पर 15 mm की चौड़ाई पे एक सीधी लाइन खींचेंगे हम। जैसे हमने इसकी लंबाई ली है 10 mm, ऐसा ही हम यहाँ से भी लेंगे। फाइनली हम इसको भी जोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, ऐसे इधर भी खींचेंगे। ये हमारा आइसोमेट्रिक बन चुका है। अब इसमें मिसिंग लाइन कहाँ आएगी, तो अगर आप साइड व्यू में देखेंगे तो वहाँ पे खाली दो रेक्टेंगल बॉक्स ही बन रहे हैं, लेकिन अगर आप आइसोमेट्रिक में देखेंगे तो आप पाएंगे वहाँ दो नहीं, तीन रेक्टेंगल बॉक्स बन रहे हैं। तो चलिए, यहाँ 10 mm की हाइट पे 15 mm की सीधी लाइन खींच लेते हैं। ये हमारा मिसिंग लाइन का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई और डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।